हेलो हाँ ब्रो, मैंने इनवाइट कर दिया। ओपोजिट टीम आ रही है। जीजे भाई लिंक भेज दो यार ग्रुप पे। या एक मिनट ब्रो। और जीजे भाई क्या हाल चाल है? कन्हैया भाई, व्हाट्स अप? बस लॉन्ग टाइम भाई। बढ़िया भाई, बहुत टाइम बाद मिले। इसको 1.1 रैंक हाईएस्ट। उड़ल 2 मिनट पार्टी में आना, पार्टी से पार्टी मैंने वन पॉइंट वन हो गया है, ये ज्वाइन नहीं कर रहे। आधे घंटे का टाइम होता है ना कि ज्वाइन ना करे तो ऐसा कुछ है। हाँ भाई, 15 मिनट वेट टाइम होता है। अगर 15 मिनट में नहीं ज्वाइन करते तो आपको विन मिल जाएगी। क्या काम है? हाँ ब्रो, मैं क्लबहाउस पे उनको लगा इनवाइट रहे हैं करने गया था। क्लबहाउस का 15 मिनट क्लबहाउस वेट टाइम होता है। अगर क्लबहाउस 15 मिनट के का अंदर नहीं आते तो आपको डिफ़ॉल्ट विन मिल जाएगी। हाँ, मैं चेंज कर दूँ। आपका मैप विला है ना? हाँ मिला। ओके ओके ओके, चलो आ गए। मैच चालू हो जाएगा। हेलो हेलो ब्रो, इनवाइट योर टीम गाइस ब्रो। ओके, जी आ रहे हर्ष। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है ब्रो, आ रही है। या तो इन टीम में से हु इज़ अटैकिंग एंड हु इज़ डिफेंडिंग? क्या चीजें अटैक डिफेंड क्या पूछ रहे हो ना? या मैं पूछ रहा हूँ।
ब्रो जेकेसी चोज टू डिफेंड विला यू सॉन्ग फोर. या हाँ जी डिफेंड सही है हाँ जेके ऑन सी इज विला लाइक द हिप यू फायर सॉन्ग मी फोर. को या 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 ओके हाँ ओके ओके गॉट इट. चलो आ रहे हैं वो भी. आखिरी बंदा है. गेम चार्ट जाता हूँ मैं चालू करके आता हूँ. ओके जी जे जे मेक मी मॉडरेटर मैन. हाँ भाई फॉक्स AMM के आ रहा है बस यार. ओके ब्रो ओके ब्रो. सो आप लोग रेडी हो ना सारे. जी जी रहे हाँ ओके ब्रो मैं लगा रहा हूँ. ऑल द बेस्ट. गुड लक भाई. सो द सिक्स्थ गेम ऑफ रेनबो सिक्स क्वारंटीन टोर्नी इज अंडर वे. और जय आपको क्या लगता है दोनों टीम्स में से कौन सी इसमें ज़्यादा एडवांटेज में रहेगी? आई थिंक डिफेंडिंग टीम थोड़ा फेवर्ड में रहेगी और उनके रैंक्स विला देखते हैं. इज ऑल्सो थोड़ा सा डिफेंडर फेवर्ड अनलेस अगर आपके पास अटैक पे काफ़ी अच्छी स्ट्राइक्स हो. सिस्टमेटिक पिचेस या बनाए जा सकते हैं विला पे. हाँ. सो कन्हैया भाई की टीम से टॉक्सिक फ्रैग CBG गोल्ड 3 बहुत हार्ड गोल्ड 2 टॉक्सिक रिक्रूट गोल्ड 2 दोसांझ वाला गोल्ड 2 कन्हैया दिल्ली फ्लैट 3. और जो दूसरी टीम है जी JKC तो उनके टीम में एक बंदा अनरैंक्ड और हिप फायर AR गोल्ड 2 यू सॉ मी 4 गोल्ड स्टार हिप फायर SS गोल्ड 2 और आखिरी बंदा जो है क्रेजी बैच MNK सिल्वर स्टार. तो और फिर मैप दोनों बैंक्स में टीम्स काफी बैलेंस्ड ही हैं हाँ दोनों टीम्स तो लाइक काफ़ी बैलेंस्ड हैं स्किल लेवल वाइज. अभी देखते हैं क्या होता है. अभी देखते हैं कैसे क्या होता है. सो बैंड ऑपरेटर्स यहाँ पे है मॉन्टी मोंटी जैकल जैकल मीरा मीरा और और अपनी कैव. कैब्रा. कैव बैन इस मैप पे काफी कॉमन है. काफी बड़ा मैप है. कैव काफी जगह छुप सकती है तो अच्छा बैन है. प्लस जैकल भी प्ले में नहीं है. जैकल ब्रो काफी मैं अनोइंग ऑपरेटर है. मीरा एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर है डिफेंस पे इस मैप पे जिसको बैन कर दिया गया है. एंड मोंटी इज बीइंग बैन ऑन अटैक. अटैकिंग टीम प्रिटी नॉर्मल अटैकर्स लिया है इन्होंने और डिफेंडिंग टीम में फ्रॉस्ट लिया है शायद सिक्स पिक शायद करें तो उससे. सिक्स्थ पिक. हाँ पल्स. एज एक्सपेक्टेड वहां पे एश से भी थैचर पे स्विच किया है. अच्छी चॉइस बिकॉज यूटिलिटी की काफी जरूरत है. एज डिफेंस पे बैंडिट है लीजन है येगर है वमाई है तो थैचर काफी काम में आ जाएगा. तो फर्स्ट राउंड अंडर वे और इन्होंने लिया है स्टडी. प्लेमेंट नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसा वर्क करता है डिफेंडर्स के लिए. क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा ये साइड पे मीरा काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स में आती है. एज अटैकिंग टीम का थर्माइट भी है तो वो जहाँ तक पुश के लिए मेरे हिसाब से जाएंगे. देखना पड़ेगा अगर उन्होंने स्टडी पुश के बाद खोल लिया तो फिर उस साइड को लेके प्लान के लिए जा सकते हैं. लेकिन एक पल्स है जो उनको ट्राई कर सकता है तो देखना पड़ेगा कि उसको हंट करेंगे.
सकता है अगर इन्होंने ड्रोन नहीं इंटेल करा उसे। पे गेम और काफी मैटर करेगा अपना अपने यहाँ पे। पल्स ऑलरेडी बेसमेंट में जा चुके हैं छुपने के लिए। और अटैकिंग टीम ड्रोन कर रही है मेन मेन एंट्रेंस। और इनका पुश स्टडी की तरफ। साइड ड्रोन कर रहे हैं अभी शायद तक। यहाँ पे स्पॉट कर लिया बैंडिट को। और यहाँ पे पुश बन रहा है। ये पीक कर रहे हैं, रोटेशन देख रहे हैं शायद तक कनेक्टर का। और वो टाइमिंग शायद तक गन फाइट एंगेज हो सकती है। और यहाँ पे वॉल खोलने की कोशिश पे अपने थर्माइट अपने पल्स को नीचे स्पॉट करा शायद तक। नीचे से C4 मार सकते हैं। गेम चेंजिंग होगा ये। और मिस कर दिया C4। बहुत लेट है अभी थर्माइट। पल्स को स्पॉट कर लिया। नाइस किल कन्हैया दिल्ली का। आखिरी बंदा वमाई 1v3 सिचुएशन। और नाइस ट्राई, गुड राउंड बाय अटैकिंग टीम। बहुत सही पुश बनाया था। पल्स को थोड़ा जल्द आ जाना था। हर्ष हेलो, तुम्हें क्या लगता है किधर गलती गई डिफेंडिंग टीम की? सेकेंड राउंड इज अंडर वे। और इन्होंने फिर से सेम साइट लिया, एविएटर और गेम थ्रो। प्रिटी स्टैंडर्ड सेटअप ही है इनका, कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा। सेकेंड राउंड का एक्शन फेस चालू हुआ अभी। अटैकिंग टीम पुश कर रही है स्टडी की तरफ। हेलो जी, हाँ हर्ष, कुछ जी टेक्निकल इश्यू था, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे। जी, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है फर्स्ट राउंड पे कहाँ गलती हुई थी? फर्स्ट राउंड से जी, मेरे को तो लगता है कि उन्हें पल्स अगर थोड़ा और पहले नीचे आ जाते, क्या कहते हैं, पुश करने नाइट्रो करने, और वो थर्माइट को पहले नीचे से निकाल लेते तो वहाँ गेम चेंज जाता। थोड़ा लक ने साथ नहीं दिया हाँ। अपने डिफेंडर्स के लिए थोड़ा टाइमिंग भी इशू रहा मेरे ख्याल से मेनली। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अटैकिंग टीम फिर से सेम पुश बना रही है स्टडी की तरफ। और डिफेंस में बैंडिट मेन स्टेयर होल्ड कर रहे हैं। स्पॉट हो गए शायद तक, रोटेशन कट ऑफ नहीं। और अपने येगर एविएटर रूम में अटैकिंग टीम शायद तक कुछ बना रही है मेन स्टेज की ओर। ड्रोन कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं बैंडिट की लोकेशन।
काफी काफी सेफ खेल रही है अटैकिंग टीम, हर चीज डोइंग कर रहे हैं। बैनर को स्टॉप कर लिया गया है स्टेज पे। और यहाँ पे एको को शायद तक नहीं देखा ड्रोन पे, और पुश कर रहे हैं एको को। गन फाइट हो सकती है बैंडेट और इनके बीच में, शॉट्स मिस हुए। इन्होंने वॉल खोल दिया एविएटर का, और शायद तक म्यूट को स्पॉट कर लिया कनेक्टर में। यहाँ पे उस म्यूट को निकालने पे शायद तक पुश करेंगे, ध्यान देंगे भी। और लीजन का बहुत सही एंगल है, और अपने म्यूट ने किल निकाल लिया रेड स्टेयर्स वाले। एक और आया रेड स्टेयर्स की ओर, शॉट मिस हो गए, मारे गए। इट्स 2v4 सिचुएशन फॉर द अटैकिंग टीम। और आईक्यू को सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही थी, लिया 1v4 सिचुएशन कन्हैया भाई आखिरी। एंड कन्या भाई ने स्पॉट कर लिया म्यूट को, एक किल निकाल लिया उन्होंने, नाइस शॉट। अभी किया जा सकता है, क्लच किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम बचा नहीं है अब क्लॉक पे। टाइम बचा नहीं है, और लीजर ने बहुत सही एंगल से मार दिया। गुड राउंड बाय डिफेंस टीम। डिफेंस टीम, अभी आपको क्या लगता है जीजे, डिफेंडर्स ने लास्ट उनके राउंड की गलतियों से सीखा, इस बार थोड़ा एग्रेसिव खेले, काफी थोड़ा अग्रेसिव खेले, और अटैकिंग टीम ने शायद तक एक गलती कर दी, उनको ये पूल टेबल वाली वॉल खोल देनी थी गेम्स रूम। हाँ, तो उनके पास जब आ गया था कंट्रोल कंट्रोल, तब स्टडी का मिल गया था, तब आराम से प्लान तो खोल देने चाहिए थे। जी, फिर से अटैक काफी स्टैंडर्ड ऑपरेटर लाइनअप ला रहे हैं, और डिफेंस पे भी इस बार, लेकिन साइड चेंज करके ट्रॉफी जाएंगे, देखते हैं ये साइड कैसे वर्क करती है डिफेंडर्स के लिए। ये साइड भी काफी स्ट्रांग है वैसे, सो थर्ड राउंड इज अंडर वे, और अटैकिंग डिफेंडिंग टीम ने सॉरी ट्रॉफी रूम सेलेक्ट करा अपना ऑब्जेक्टिव, और ऑपरेटर थे येगर, एको, लीजेंड, बैंडिट और मैं। ये शायद तक सेम ऑपरेटर ले रहे हैं हर राउंड, लाइक शायद तक यूज्ड हो गए हैं। हाँ, शायद तक वो यही ऑपरेटर्स के साथ कंफर्टेबल है, तो इन्हीं ऑपरेटर्स के साथ जा रहे हैं। हाँ, ये भी काफी सही स्ट्रेटजी, कई बार आपके ऑपरेटर के साथ कंफर्टेबल है तो आप उस ऑपरेटर से गन फाइट ज्यादा इजी निकाल लेंगे, तो एज लॉन्ग एज आप कंफर्टेबल हैं आपको वो ऑपरेटर चूज करना चाहिए, अनलेस एंड अंटिल वाकई में स्ट्रैट कुछ काफी चेंज करने की जरूरत पड़े। जी जी, बहुत सही कहा आपने, और कहीं का सिंपल ही सफिशिएंट होता है। चालू हुआ यहाँ पे अटैकिंग टीम, जहाँ तक उनका स्पॉन लग रहा है, ये बेडरूम टेक करने जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मोस्ट लाइकली मास्टर बेड पुश होगा, यहाँ पे वो ड्रोनिंग स्टार्ट करेंगे। ड्रोनिंग चालू हो गई मास्टर बेडरूम की ओर, म्यूट जैमर से जैम कर रखा है, बहुत सही चल रहा है, काफी अच्छी इंटेलिजेंस की जा रही है। अगर डिफेंडर्स ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए इंटेल डिनाई कर सकें अटैकर्स को, तो वो काफ़ी टाइम वेस्ट कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। और विला ऐसा मैप है जहाँ पे लॉन्ग एंगल्स आप होल्ड करके आराम से बैठ सकते हो, आपको अग्रेसिव खेलने की भी ज़रूरत नहीं, तो आखिरी सेकंड में आप आराम से जीत सकते हो गेम्स भी। जैसे के ड्रॉप वांट्स यू टू स्पेक्टेट बहुत हार्ड, वो उनके फैन है शायद। हाँ जी, देखता हूँ। एंड यहाँ पे ट्रेड लिया गया है, और फर्स्ट थर्माइट ने वॉल खोल लिया यहाँ पे, और कैसा गन फाइट हो सकती है अपने म्यूट एंगेज कर रहे हैं विंडो वाले को, नाइस शॉट, बहुत सेक्सी शॉट मारा है इन्होंने। 3v3 सिचुएशन नाउ, और अपने नोमैड ड्रोन कर रहे हैं, इंटेल निकाल रहे हैं, 20 लेफ्ट ऑन द क्लॉक। अब उन्हें पुश करना स्टार्ट करना पड़ेगा ज्यादा साइट ओरिएंटेड, गन फाइट चल तो रही है,
पैटर्न ये दिल्ली एंड और यहाँ पे पिंच हो गए अपने लीजन, किसी को क्रॉस पकड़ना होगा और रिफ्रेश ये पीछे हो गए। बाथरूम वाले को C4 टॉस करने की कोशिश में, बैंडिट C4 टॉस कर दिया, टीम किल और नोमैड पे मैनेज कर लिया उन्होंने हेडशॉट लेने को, पर एस्ट्रो स्टेयर से अटैकर ने रिफ्रैग ले लिया उनका। 2v1 सिचुएशन, लीजन अकेले हैं और एस्ट्रो में दो अटैकर थे शायद तक इनको पता नहीं। प्लांट के लिए जा सकते हैं दूसरे साइड में, हाँ थर्मल प्लांट कर रहे हैं और अटैकर्स को भी लीजन की लोकेशन नहीं पता। प्लांट गोइंग डाउन, जब प्लांट जाएगा तो पोस्ट प्लांट 1v2 सिचुएशन, नोमैड चार्ज लगा, सिचुएशन काफी खराब लग रही है लीजन के लिए अभी। बहुत सही एंगल पकड़ा है कन्हैया भाई ने, निकाल लेंगे शायद तक। लीजन को पता चल गया कोई एंगल होल्ड कर रहे हैं वो वाला, तो चैलेंज नहीं कर रहे। लीजन ने बहुत सही शॉट मारा थर्माइट पे, 1v1 सिचुएशन अभी, 19 सेकंड्स लेफ्ट और मिस कर लिया शॉट। कन्हैया भाई ने ले लिया किल काफी क्लोज आ रही है, कोशिश तो अच्छा था, बहुत अच्छी कोशिश की थी लीजन का। बैंडिट से थोड़ा मेसी हो गया वहां पे टीम किल के साथ, उन्होंने हाउएवर नोमैड पे किल उठा ली थी बाथरूम में, लेकिन एस्ट्रो स्टेट से आश ने पुश करके उन पे रिफ्रैग ले लिया। अटैकिंग टीम की वजह से कोऑर्डिनेशन अच्छा था काफी, तो 2-1 स्कोर है। जब भी मेरे बंदा मारा है उसके लिए रिफ्रैग लिया उन्होंने, रिप्लिंग काफी वेल और डिफेंडिंग टीम फिर से ट्रॉफी स्टैट्यूटरी जा गया। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बोथ अटैकिंग टीम और डिफेंडिंग टीम सेम ऑपरेटर से चूज़ कर रही है, कुछ नया करने ट्राई नहीं कर रहे, लाइक एक बेसिक स्ट्रैट पे स्टिक करने ट्राई कर रहे हैं सारे। ये काफ़ी डेडिकेशन एंड कमिटमेंट दिख रही है अभी दोनों टीम की ओर से उनकी स्ट्रैट्स के लिए, एज वो उन्हीं स्ट्रैट्स पे फोकस करके कर रहे हैं, उनका एक फिक्स प्लान है उसके लिए जा रहे हैं। अगर आप आपके स्ट्रैट्स से एकदम कॉन्फिडेंट हैं तो ये अच्छी टेक्निक रहती है कई बार। And अभी it seems to be working for both teams. थोड़ा लकड़ी गेम चल रहा है, दोनों अभी तक जितने तीनों राउंड हुए तीनों काफी क्लोज ही थे, एक्सेप्ट सेकंड राउंड जहाँ पे कन्हैया भाई लास्ट मैन स्टैंडिंग बचे थे, उसके अलावा जो दोनों राउंड थे वो काफी क्लोज गए हैं। ये सेकंड फोर राउंड अंडरवे और अटैकिंग टीम फिर से बेडरूम का रीटेक और कन्हैया भाई यहाँ पे किचन ड्रोन कर रहे हैं ताकि नीचे से कोई C4 ना मार सके। काफी कैफली खेल रही है अटैकिंग टीम, हर जगह हर चीज को कंफर्म करके ही जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास इंटेल रहे हर ऑपरेटर की, एंड आपको पता है इस गेम में अगर आपके पास सामने वाली टीम की इंटेल है तो गन फाइट्स आपकी रहेंगी। शायद तक कन्हैया भाई ने वहाँ पे एक और ड्रोन स्पॉट कर लिया दोसांझ वाला, टिकट करके अपने घर में को क्लोसेट का कंट्रोल ले लिया थर्माइट ने। वेल कैम नहीं, एक और ड्रोन की ढूंढने की कोशिश में यहाँ पे नीचे से नाइट्रो हो सकते हैं अगर वेल कैम नहीं निकाला तो। एको ने स्पॉट कर लिया, एको ड्रोन को स्पॉट नहीं करा था अपने थर्माइट ने, बैंडिट ट्रिक नहीं हो रही, बैंडिट अपने 90 हॉलवे 90 में रह रहे हैं यहाँ पे। खैर वो बैंडिट यूज कर सकते हैं ट्रिक करने के लिए, इंपैक्ट ट्रिक भी नहीं हुई यहाँ पे लीजेंड से और एंगल चैलेंज कर लिया, थोड़ा और डिनाई किया जा सकता था मेरे हिसाब से डिफेंडर्स के द्वारा वॉल खोलने को रोकने के लिए। बैंडिट ने अच्छा शॉट मारा एंगल बेडरूम वाले को, शायद तक इन्हें पता नहीं कि लीजन डाउन है, रिवाइव हो रहा है अभी, बट दोनों बहुत पिंच्ड हैं अभी, पुश करेंगे तो वो दोनों को पिकअप किया जा सकता है।
एक बंदा एस्ट्रो स्टेज पुश कर रहा है, शायद तक डिफेंडिंग टीम को नहीं पता ये चीज। ओके ड्रोन से स्पॉट हो, कैम से स्पॉट हो गए, देख लिया ये घर को और ये घर ने मार दिया ये। एक बंदा बाथरूम में, टू वे सिचुएशन। और बैंडिट ने शायद तक रेड स्टेज पे मार दिया कन्हैया भाई को। इट्स 1v3 सिचुएशन नाउ और टॉक्सिक फ्रैग सीबीजी अकेले बिना इंटेल के ट्राई कर रहे हैं। अच्छा शॉट मार दिया, 1v2 सिचुएशन। अब भी किया जा सकता है लेकिन ज्यादा टाइम लेफ्ट नहीं है क्लॉक पे, ओनली 24 सेकंड्स रिमेनिंग। और बैंडिट को शायद तक लोकेशन पता चल गई उनकी और उन्होंने ओह शॉट मिस कर दिया। दोनों डिफेंडर्स की हेल्थ बहुत कम है, बहुत कम है, हो सकता है क्लच। अच्छा शॉट मारा इन्होंने, किल के लिए जाएंगे मोस्टली, किल के लिए जा रहे हैं इनको। ओ बहुत क्लोज था, काफी क्लोज लाइक काफी वेल प्लेड बाय टॉक्सिक फ्रैग, उन्होंने काफी अच्छी कोशिश की राउंड को लाने की, लेकिन राउंड को एक टीम विन करेगी इन द एंड। एंड दिस टाइम डिफेंडर्स टेक द राउंड एंड फाइनली ट्रॉफी डिफेंड हो गई। अब साइड क्या लगता है मोस्ट लाइकली अर्ली पिक मिल गया था अटैकिंग टीम को, फिर भी जी अटैकिंग टीम, हां अटैकिंग टीम थोड़ा ओवर एग्रेसिव हो गई थी 4v3 पे, उनके पास मैन एडवांटेज था, लेकिन उसके बाद एस्ट्रो स्टेयर की पुश करी हुई आईक्यू को पिकअप कर लिया गया। हाँ जी तो आखिर में अटैकर्स की लोकेशन का आइडिया था, उन्होंने गन फाइट पिक करी। अभी फिफ्थ राउंड इज अंडर वे और एंड अगेन प्रीटी मच द सेम लाइनअप दोनों टीम्स के द्वारा। हाँ, एक बार वापस चले गए एविएटर और गेम्स रूम, प्रीटी डिसेंट साइज। अगेन अगर यहाँ पर थर्माइट हैच है नोमैड है तो इस साइड को इतना पुश करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब एक बार सेसेशन विंगर्स इस पे हारे थे तब उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। मुझे लगता है कि जब उनके पास कंट्रोल आ गया था स्टडी का तब फिर वो बार के साइड की वॉल खोल सकते थे जो उन्होंने नहीं खोली थी, वहाँ थोड़ा मेसअप हो गया था, लेकिन अब देखते हैं कि वो अपनी उससे लर्न करते हैं या कुछ नया ट्राई करते हैं। जी जी तो एक्शन फेस चालू, अभी अटैकिंग टीम फिर से स्टडी की हो रही पुश, आई थिंक ये कॉमन हो गया अभी कि स्टडी से ही लाइक पुश करना। प्लस उनके पास ऑपरेटर्स भी उसी लाइनअप के लिए हैं, विद अ नोमैड बीइंग ब्रॉट वो स्टडी के फ्लैंक्स को रोक सकते हैं दोनों डोर्स पे करके। अब देखते हैं कि वो स्टडी की वॉल ओपन करने के लिए जाएंगे या फिर 90 में। जी और अपने ड्रोन किया जा रहा है शायद तक, और यहाँ पे अपने जोफिया अंदर घुस गए साइट में, एस्ट्रो स्टेयर्स का कैंप तोड़ दिया और एस्ट्रो स्टेयर से पुश बना रहे हैं, शायद तक कोई डिफेंडर नहीं है वहाँ पे, देख लिया एको ने गन फाइट चालू, इंटेल मिल चुकी है डिफेंडर्स को। और एविएटर की वॉल खोली और शायद तक बैंडिट को स्पॉट कर लिया और बैंडिट पे पुश हो रहा है, बैंडिट ने नोटिस नहीं करा, थर्माइट ने शॉट मिस कर दिया बैंडिट पे, लीजन डाउन है कनेक्टर में और बैंडिट शॉट्स मिस करते हुए अपने
अगेन 4v2 सिचुएशन एंड दोनों डिफेंडर्स काफी लेट हैं एंड पिक्स ऑफ। जहाँ तक मैं बोलता हूँ बस जोफिया ले गई इनका राउंड, ये वाला जोफिया इनका राउंड ले गई, उसने खुद का फ्लैंक भी देखा, उसने एको को भी वहाँ पिक किया एंड आखिरी में 90 का पे और 90 का किल भी लिया। जोफिया काफी स्ट्रांग ऑपरेटर है वैसे, मुझे तो वो एश के ऊपर ज्यादा प्रेफरेबली अच्छी लगती है, सबकी पर्सनल चॉइस रहती है। जोफिया की गन काफी अच्छी है, काफी फ्रैगिंग कैपेबिलिटी जोफिया की काफी है, उन्होंने वही किया उससे, काफी अच्छा राउंड था जोफिया के द्वारा। जी जी सो सिक्स्थ राउंड अंडर वे और डिफेंडिंग टीम ने फिर से सेम साइट चूज करा, एविएटर और गेम्स रूम, और काफी इंटरेस्टिंग है इस बार सिर्फ दो साइट्स पे डिफेंस ने चूज किया है, एविएटर पे गए हैं वो एंड वो स्टडी बार पे गए हैं, अब तक कोई तीसरी या चौथी साइट पे नहीं गए अब तक, बिकॉज किचन एंड लाइब्रेरी अब तक उन्होंने किसी भी राउंड में चूज नहीं किया। खैर ये इनका लास्ट डिफेंस राउंड है, कौन सी ओबीजे लाइक बहुत अच्छी होती है लाइक डिफेंडर फेवर्ड इस मैप पे मुझे मेरे हिसाब से। खैर देखिए अपना एविएटर एंड ट्रॉफी मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है जी जी, ताकि लॉन्ग एंगल होल्ड करने उसमें लॉन्ग एंगल्स होते हैं एंड इसमें आपको मीरा वीरा नहीं लानी पड़ती। मुझे जी लगता जी है कि जिस साइड पे जैसे अभी बार पे गए तो बार पे आपको मीरा की काफी जरूरत होती है एंड मीरा इज बीइंग बैंड राइट नाउ, तो मुझे ये उतनी सेफ चॉइस नहीं लगती जाने के लिए। हाँ जी, बट आप किचन और डाइनिंग रूम भी बोल रहे थे, वहाँ पे भी मोस्टली जो भी ये स्ट्रैट्स हैं उसमें मीरा इन्वॉल्व होती है। हाँ किचन में तो आपको डेफिनेटली मीरा लगेगी जी जी, तो स्टैचू और लिविंग रूम थोड़ा डिसेंट ओबीजेस हो सकते थे, डिफेंडिंग टीम में शायद तक स्ट्रैट्स नहीं बने ये साइड के लिए या फिर वो कंफर्टेबल नहीं हो अगेन उन साइड पे, तो हो सकते हैं वो जिस साइड पे कंफर्टेबल है उसी पे जाने का देख रहे हैं वो। जी जी अटैकिंग टीम इस बार दो हार्ड बीचेस लाई है, नीचे गन फाइट हो सकता है और जो वैल्करी ने स्पॉट कर लिया, वैल्करी ने बहुत अच्छा शॉट मार दिया nice. और अपने जो फिर वही देखने की कोशिश कर रही थी लेकिन इस बार उनको पिक कर लिया एज डिफेंडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद तक ड्रोन की आवाज सुन ली इन्होंने। हाँ ड्रोन को निकाल लिया और प्रिटी सेम पुशी कर रहे हैं। कन्या भाई इस बार खोल रहे हैं पूल टेबल की वॉल और बैंडिट तो इसके बाद उनके पास पुश आ जाए, किया जा सकता था आराम से ट्रिक क्योंकि थर्माइट चार्ज भी दोनों वॉल के बीच में लगाया गया था तो किसी भी वॉल को पकड़ते हो जाती। अरे बैंडिट स्टडी पुश कर सकता है और जोफिया फिर से चैलेंज करने आ गई, शायद तक वेल्क ने एम चोक कर दिया बट और नोमैड ने आउट प्ले कर दिया। हम नीचे चले गए एंड वो वापस आए लेकिन नोमैड की भी काफी हेल्थ कम है 4v4 सिचुएशन में, सारे डिफेंडर्स फुल हेल्थ नहीं कर रहा। आपने म्यूट ने म्यूट का फ्री किल हो सकता है, कन्हैया भाई ने देख लिया। ओह थोड़ा पोटैटो बट फिर भी मैनेज कर लिया उन्होंने एम सीधा करना। प्लांट पे जा रहे हैं कन्हैया भाई और शायद तक ये गन फाइट में एंगेज है अपनी हिबाना। ओ भाई बैंडिट ने बहुत सही शॉट मारा और ये गर ने कन्हैया भाई को मार दिया, गुड राउंड बाय डिफेंडिंग टीम एंड अब 3-3 स्कोर होता है राउंड 6 पे, दोनों टीम्स इक्वल चल रही हैं। अब देखते हैं जेजे क्या वाकई में विला डिफेंडर फेवर्ड है एंड सेसेशन ब्रिंगर्स इस पे अब डिफेंसिव ज्यादा राउंड्स ले पाते हैं या फिर जली भी अपने अटैक पे ज्यादा राउंड्स लेके जाते हैं। अभी तक तो सारे गेम्स काफी सारे राउंड्स काफी क्लोज थे दोनों टीम्स के द्वारा। आपको क्या लगता है लास्ट राउंड में अटैकर्स अगेन डिसएडवांटेज 4v4 सिचुएशन ही थी एंड प्लांट भी स्टार्ट हो गया, इस बार कहां गलती हुई? डिफेंडर ने थोड़ा बहुत पेशेंस दिखा दिया मेरे हिसाब से, तो उन्होंने एंगल्स चालू नहीं ये चैलेंज नहीं करे साइड से। मेरे हिसाब से अटैकर्स से कुछ ज्यादा गलती हुई नहीं बट डिफेंडर्स थोड़ा ज्यादा अच्छा खेल गया लास्ट राउंड में। जी जी बिल्कुल
थोड़ा पेशेंस दिखा लिया उन्होंने और आखिरी सेकंड में पुश करा उन्होंने कन्हैया भाई पे, और बैंडिट भी बहुत सेफ खेल रहा था, कुछ नहीं करा, बस उसने होल्ड करा था 90 का हॉलवे। वेल्क ने थोड़ा बहुत डिले कर दिया लाइक इनका पुश। सेसेशन ब्रिंगर्स यहाँ पे ट्रैप ऑपरेटर्स लाए हैं, कैपकैन लीजन प्लस उनके पास तीन नाइट्रो सेल्स हैं, तो देखना पड़ेगा उनका वो कैसे यूज करते हैं। काफी डिनाइल है उनके पास एंड जली बी हैज आल्सो ब्रॉट थर्माइट थैटर, वो भी शायद स्टडी ही पुश करेंगे, लेकिन उनके पास नोमैड नहीं है जो इस मैप में एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर है। और ये कुछ नया स्ट्रैट देखने को मिल रहा है शायद तक नहीं कॉमन वॉल, फुल टेबल की वॉल रिइंफोर्स नहीं हुई शायद तक अपने कैप्टन कर देंगे। और ये अगर नीचे स्पॉन पीक की ओर जा, तो सेवेंथ राउंड अंडरवे और जोफिया ने पुश बना दिया साइट में और गन फाइट एंगेज हो सकती है और जोफिया आउट प्ले कर गई, आउट गन कर गई, आई एम सॉरी। और पुश कर दिया रेड स्टेज में, शायद तक रश मार रही है साइट में, कॉल आउट नहीं मिला शायद तक रेड स्टेज वाला, वो मिल गया। बैंडेड पीक कर रहे हैं रेड स्टेज की तरफ, हाँ गन देख लिया, स्पॉट कर लिया उन्होंने, बहुत पिंच थे, C4 मार सकते हैं ये। और फ्री फायर बहुत सही खेला बैंडिट ने, काफी बड़ा गन फाइट थी, उनको पोजीशन पता थी तो कॉन्फिडेंटली किल के लिए गए, जो थोड़ा अग्रेसिव हो गए शायद तक अटैकिंग टीम। एश भी पुश कर रहे हैं साइड की तरफ, शायद तक बैंडिट को स्पॉट नहीं करा फिर से, बैंडिट बैनेट ले जा सकते हैं यहाँ पे, हाँ। बैनेट ट्रिक करते हुए और बैनेट का किल, बहुत सही कोऑर्डिनेशन थी वहाँ पे। 90 पे पुश हो रहा है लीजन का, अच्छा शॉट मारा और डाउन है लीजन, सो टू भी यहाँ पे अटैकर्स एडवांटेज में दे लग रहे हैं। हाउएवर डिफेंडर्स अब भी ले जा तो सकते हैं, गेम 2v3 हो चुका है वैसे भी। हाउएवर वैलकैरी काफी लिट है, अटैकर्स पे भी एश काफी लिट है, वो ट्रैप से मर सकती हैं एंड मैवरिक हाफ हेल्थ में है। और शायद तक इन्हें साइड के अंदर से पड़ गया रोटेशन से, आखिरी बंदा कनेक्ट है और पिस्टल से फायरिंग चालू और एश ने किल ले लिया, एश ने जितवा दिया गेम इनका बैंडिट को मार के। ऑलमोस्ट थ्रो हो गया था अटैकर से, होते होते रह गया था जब जोफिया स्टार्टिंग में मरी एंड एश पीछे फंस गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन तब भी बैंडिट बैंडिट ट्रिक करते हुए कैच कर लिया एश ने। उनके पास शायद तक कॉल आ गई थी कि बैंडिट बैंडिट ट्रिक कर रहे हैं, बैंडिट को भी शायद तक इंटेल नहीं थी कि एश अब भी पीछे हैं, इसलिए वो ट्रिक के लिए गए। स्कोर बोर्ड भी आप देखो तो हर प्लेयर डिसेंट खेल रहा है, ये नहीं कि कोई बंदा का गेम ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी, सारे अच्छा ही खेल रहे हैं, सपोर्ट रोल वाले एज वेल एज फ्रैगर्स। बहुत क्लोज जाएगा मेरे हिसाब से गेम, हर्ष आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जी मुझे लग रहा है कि जलेबी ये गेम ले जाएंगे, उनका कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा बेड लग रहा है अटैकिंग, जैसे अभी जो उनने अटैकिंग पे पुश बनाया जी जी काफी कोऑर्डिनेटेड था, तो आई थिंक जरूर भी राउंड ले जा सकती हूँ, ये मैच ले जा सकती हूँ, बट लेकिन देखना पड़ेगा बिकॉज सेशन ब्रिंगर्स ने भी साइड चेंज की है, वो वापस स्टडी नहीं स्टडी कह रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, बाहर नहीं गए। सेम ऑपरेटर, ऑपरेटर तो सारे सेम ही हैं दोनों टीम्स में। सेशन ब्रिंगर शायद तक ट्रैप ओरिएंटेड टीम है जहाँ तक मुझे लग रहा है, कैप्टन हर राउंड ला रहे हैं और रोटेशन। मैं खुद एक कैप्टन मैन हूँ, मेन हूँ, तो मेरे को ये देख के काफी खुशी हो रही है कि दूसरे लोग भी कैप्टन खेलते हैं आजकल,
हाँ जी वन शॉट किल नहीं रहा, लेकिन तब भी 5 ट्रैप्स काफी होते हैं। आपको क्या लगता है हर्ष, ये जो इन्होंने करा 2 स्पीड 2 आर्मर, ये बेटर था या अपना पुराना वाला कैप्टन जो 1 आर्मर मेरे को तो था? पुराने वाला अच्छा लगता था। और यहाँ पे गन फाइट चालू मैं होते हुए कन्हैया भाई और जोफिया के बीच, कन्हैया भाई ये वापस चले गए चले नीचे गए, ये स्मार्ट बेसमेंट में चॉइस हैं। थी इस बहुत स्मार्ट चॉइस। गन फाइट को लीव करना, और थोड़ा एक और एडवांटेज था जोफिया के पास, तो ये गन फाइट पिक नहीं करनी चाहिए थी। काफी स्मार्ट चॉइस थी कि उन्होंने इसको रीड कर लिया, इस बात पे वो यहाँ से चले गए। कई प्लेयर्स वरना ये गलती करते हैं कि गन फाइट स्टार्ट होने के बाद वो उस गन फाइट को जारी रखें, इवन इफ वो डिसएडवांटेज में हो। शायद तक कन्हैया भाई को स्पॉट कर लिया उन्होंने ड्रोन से, उनके एबिलिटी के वजह से। अटैकिंग टीम अभी भी आर्ट स्टूडियो के पास मेन स्टेज का फ्लैंक होल्ड कर रहे शायद तक, बट डिफेंडिंग टीम कोई रोम नहीं कर रहा, सारे साइट में बैठे हैं। टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है अटैकिंग टीम का, कन्हैया भाई को हंट करने में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं अटैकिंग टीम। पुश बनाना होगा उन्हें अब। और जोफिया नीचे पुश कर रही है कन्हैया भाई को, कन्हैया डिल्ली आई एम सॉरी, शायद तक स्पॉट नहीं करा। उन्हें शायद लग रहा है कि विजिल रोटेट कर चुका है, वैसे वो काफी टाइम वेस्ट कर चुके हैं विजिल को हंट करने पे, तो कन्हैया इन उनका टाइम, उन्होंने पूरा उनकी जॉब वेस्ट पूरी कर कर दिया। ली है विद 40 सेकेंड्स लेफ्ट ऑन द क्लॉक। अब अटैकर्स पुश करेंगे और कन्हैया भाई लेट फ्लैंक की पोजीशन में है नीचे, अभी वो एश से ऊपर आके एश को मार सकते हैं। और डिफेंस टीम ने रीफ्रैग उठा लिया एस्ट्रो वाले बंदे का। इट्स 3v4 सिचुएशन और एक बंदा डाउन था, बैंडिट ने नोटिस नहीं करा और क्लेमोर में कन्हैया भाई मरते हुए। प्लांट अभी नहीं करा इन्होंने, गेम ले सकते हैं 1v2। ओ प्लांट हो रहा है, प्लांट कर दिया जोफिया ने और स्पॉट नहीं करा अपने बैंडिट को, बैंडिट को मार दिया। नाइस, बहुत क्लोज गेम था, बहुत इंटेंस था लास्ट जी हाँ, मेरे 30 ख्याल से सेकंड बैंडिट के पास काफी मौके थे वैसे जी। इस गेम को चेंज करने के, बैंडिट लेकिन से थोड़ी उनकी गलती गन हो गई। फाइट्स चोक हो गई, बट ठीक है होती हैं, सबसे होता है, कभी कभी नहीं बैठती, कुछ सिचुएशन में प्लेयर्स नर्वस हो जाते हैं, लेकिन जो भी हो विन मिली जलेबी को इस राउंड में, एंड इट इज एट 3-5। अगर अब काफी क्लोज आ रहा है गेम एंड के, इफ डिपेंड्स कि आगे के 2 राउंड्स में क्या होता है। अगर जलेबी एक राउंड भी जीत जाती है तो उन्होंने एक पॉइंट सिक्योर कर लिया आज का। 1 पॉइंट सिक्योर कर लिया मिनिमम, एंड अगर वो उसके बाद 2 राउंड्स अभी जीत जाते हैं तो फिर वो विन कर लेंगे, या तो फिर ड्रॉ करने के लिए सेसेशन ब्रिंगर्स को 3 गेम्स जीतना पड़ेगा एंड विन के लिए 4। 6-6 पे गेम ड्रॉ होगा एंड और सेवन इस बार फाइव या वापस से इन्होंने फिर विन। एविएटर रूम सेलेक्ट कर लिया, प्रिटी मच द सेम ऑपरेटर्स। देखते हैं इस बार क्या करते हैं। तुम्हें क्या लगता है हर्ष, पिछली बार कहाँ गलती हो गई पिछले राउंड में बहुत अटैकिंग टीम और डिफेंडिंग टीम से? लाइक अटैकिंग टीम का तो अटैकिंग बहुत टीम टाइम ने वेस्ट हो विजिल गया। पे काफी टाइम वेस्ट किया, लेकिन जी डिफेंडिंग टीम थोड़ा और केयरफुल हो जाती। लाइक वो विजिल कन्हैया भाई काफी स्ट्रांग पोजीशन में रहते अगर वो लेट फ्लैंक कर देते, लेकिन वो क्लेमोर से वहां पे मर गए। वो अगर हाँ और जी केयरफुली वापस आते तो वो गेम चेंजिंग होता। एंड बैंडिट के पास नाइट्रस है, बैंडिट को मेरे ख्याल से इंटेल नहीं थी कि एक बंदा रिवाइव हो रहा है। अगर वो रिवाइव होते टाइम दोन माय एवरी कॉइन जो जिस बंदे था उसको पिकअप कर लेते थे तो गेम वहाँ चेंज हो जाता। उसके बाद भी उनके पास एक और वक्त आया था जब उनका नाइट्रो मिस हो गया था, वो बिल्कुल नाइट्रो पड़ जाता तो भी गेम चेंज आता। थोड़ा पैनिक कर गए मेरे ख्याल से बैंडिट, बट कोई ना, होता होता है हर बंदे को। है सबके साथ होता है। जी प्लीज इसमें अगर गन फाइट चूक नहीं होगी तो क्या चूक होगा। यहाँ पे
लुफिया हैज सीन येगर एंड उन्होंने शायद उनका गेम रीड कर लिया कि वो पीछे की ओर जाएंगे, और देखते हैं कि वो येगर को लाइब्रेरी पुश स्पॉट करते नहीं हैं क्या। करा उन्होंने, गलत कर लिया ड्रोनिंग, येगर स्पॉट नहीं हुए, येगर स्पॉट नहीं हुए, और येगर बहुत सही कर रहे हैं बिना ड्रोन पुश करें। शायद तक उन्हें पता चल गया कि आगे से आ रही है जोफिया, और जोफिया को शायद तक सुना नहीं उन्होंने हेडफोन में। अच्छा किल था जोफिया का, अच्छा किल था जोफिया का, लकी हो गया। फिर इंटेल नहीं थी लेकिन उनका रॉ गन फाइट से उन्होंने उठा लिया और ये फाइट। रेड स्टेयर्स की ओर चैलेंज कर रही है बैंडिट को, वॉल खोलने बैंडिट ट्रिक करने नहीं दे रहे, 90 की ओर पुश कर रही है अभी। और थैचर ने बहुत हार्ड को साइट में शायद तक कनेक्टर वाले को निकाल लिया, प्लांट के लिए जा सकते हैं बट ये पुश कर रहे हैं साइट में, कनेक्टर वाले को मार दिया, 2v5 सिचुएशन। और बैंडिट ने रीफ्रैक कर लिया इनका और साइट में घुस गई ऐश, आखिरी बंदा बार के पीछे, और ऐश का एम थोड़ा चोक हो गया था बट उन्होंने फिर से तब इन्होंने पिकअप कर लिया। तो अब अपना गेम ड्रॉ हो सकता है एट मैक्सिमम, लेकिन मुझे लग रहा है कि जलेबी वाला गेम ले जाएंगे, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा दिख रहा है। हाँ जी, आई थिंक सेंसेशन ब्रिंगर्स थोड़ी सी अभी ऑफ गार्ड हो गई है, उनको रीग्रुप, वो चाहें तो अभी ड्रॉ कर सकते हैं, वो रीग्रुप करें अच्छे से फोकस करें तो जीत सकते हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एंड वो आउट ऑफ फॉर्म हो या ना हो, मोर इम्पोर्टेंट ये है कि अभी अपना जलेबी का मोमेंटम बन गया है, तो जब भी कोई टीम का मोमेंटम बनता है तो वो ऑलरेडी एडवांटेज में आ जाते हैं। मोमेंटम ब्रेक करना होगा सेंसेशन ब्रिंगर्स को अगर इनको ये गेम जीतना है, अब तो ड्रॉ करवाना है आई मीन, बिकॉज अब जीता नहीं जा सकता है। सो मैच पॉइंट चल रहा है अभी, 6-3 इज द स्कोर, और डिफेंडिंग टीम ट्रॉफी अर्ज और स्टैचुएरी जी। ओके सो मेरी आवाज लैग हो गई थी, इस बार थोड़ा बहुत चेंज कर लिया उन्होंने, मेस्ट्रो चूज कर लिया कन्हैया वाइब ने, बहुत हार्ड ने विजिल चूज करा, शायद तक फिर से सेम चीज पे फोकस करेंगे कि डिफेंडर का जितना हो सके उतना टाइम वेस्ट करवाएं। सो दोनों टीम के टॉप फ्रैगर हैं बहुत हार्ड और क्रेजी बेच एमएनके, मैं तो जलेबी का पूरा नाम भी नहीं बोल पा रहा, मैं कास्टिंग अपने घर के मेन हॉल में करके कर रहा हूँ, एंड अभी कोरोना वायरस के कारण घर पे सब लोग हैं तो मेरे को घर से निकाल लिया जाएगा, मैं वो रिस्क नहीं ले सकता अभी। अगर नॉर्मल टाइम होता तब भी रिस्क ले सकते थे, तब भी ले सकते थे गाइस, आप लोग भी सेफ रहिए घर पे रहिए, अभी तो परफेक्ट टाइम है यार, सब लोग गेम खेलो, क्यों बाहर जाना। दिस इज द मोमेंट गेमर्स आर वेटिंग फॉर यू, और यहां पे ऐश ने पहला किल उठा लिया शायद तक ये घर पे, अब ओपनिंग पिक मिल चुकी है, अब देखते हैं कि वो और पिक्स उठा सकते हैं, यहां पे रूम क्लियर कर रहे हैं वो, पुश कर रहे हैं शायद तक, ड्रोन से इंटेल मिल गया ऊपर वाले बंदे का, नीचे से ही एश चार्ज मार के निकाल सकते हैं बट शायद तक इन्हें पता नहीं वो वॉल सॉफ्ट होती है, और इन्होंने शायद तक सुन लिया था और वापस आ गए, देखो एक थोड़ा बहुत शो करा था, वापस से नहीं जाना एश को, शायद तक रोटेशन कट ऑफ करने विजिल जा रहा है, ओह विजिल के सामने जोफिया, जोफिया पता नहीं क्या कर रहे थे वहाँ पे, और साइट में अपने कासल डाउन है, वॉल खोल लिया, पुश बना रहे हैं, 3v4 सिचुएशन अभी, स्टैचू के पीछे एक बंदा डाउन है देख लिया, और एक बंदा पुश कर रहा है बाथरूम, लीजन ने किल निकाल लिया, बहुत सही पुश करा लीजन ने,
और विजिल ने भी, विजिल ने काफी ऐश इंटेंस को चल मार रहा है दिया, अभी। काफी इंटेंस चल रहा है। विजिल ने शायद तक राउंड टर्न कर दिया यहाँ पे। हाँ जी, 1v3 सिचुएशन, सिर्फ हैचर बचे हैं और बाटर में फंस अब गए वो। डिफेंडर को थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए, बस जी जी बिल्कुल। अभी पिक की जा सकती है सिचुएशन पे। 35 सेकंड्स लेफ्ट इन द क्लॉक। कन्हैया भाई ने स्पॉट कर लिया थैचर को। थैचर बहुत लेट हैं अभी और लीजन ट्रैप लगा शायद तक। लीजन को पता चल गया और विजिल ने लास्ट किल निकाल लिया। विजिल का बहुत पिक कर सही लिया। राउंड था। विजिल का काफी अच्छा राउंड था। नीचे उन्होंने विजिल जब ने पिक्स उठाई बहुत सही रोम वहां करा, पे टाइम ये गेम वेस्ट चेंज हो करा। गया। थोड़ी गलती कर दी अपने जोफिया ने वहां पे। 14 किल्स पे जा रहे हैं। 4-6 स्कोर नाउ। लेट्स सी इफ डिसीजन ब्रिंगर्स इस गेम को ड्रॉ करवा पाते हैं। फॉर दैट उनको अब 2 राउंड कंसेक्यूटिवली जीतने पड़ेंगे, एंड अगर वो एक भी हारे तो फिर गेम वुड बी गो टू जलेबी। एंड नाउ वी कम टू मैच पॉइंट। जो चीज की आप बात कर रहे थे हर्ष, मोमेंटम ब्रेक करना, शायद तक इन्होंने शायद तक वो सक्सेसफुली कर कर दिया है। दिया। अब जी देखना जी पड़ेगा। अभी इस पे कैपिटलाइज करके थोड़े बहुत रीग्रुप होके थोड़ा सेफ खेल लेंगे तो शायद तक ड्रॉ कर सकते हैं देखिए गेम। दो कभी भी कोई भी टीम को, कल मैं भी गजी से यही डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी कोई भी टीम को हार नहीं माननी चाहिए। अगर जी ऐसा जी हो कि वो मैच विन नहीं ले पा रहे तो एटलीस्ट ड्रॉ ले लें, बिकॉज एवरी पॉइंट मैटर टूर्नी गेम में। एज हर ग्रुप से 2 टीम्स क्वालिफाई होंगी, आप एक भी पॉइंट को छोड़ गवा नहीं सकते अगर आपके पास चॉइस है। अगर गेम 6-0 है तब भी आपको फुल ट्राई करना चाहिए 6-6 करने का। एक पॉइंट आपको क्वालिफाई करा सकता है आगे के स्टेजेस में। विजिल वापस से नीचे रूम पे। इस बार देखते हैं कि अटैकर्स का ड्रोन हंट कैसा रहता है। वो विजिल को ड्रोन करके हंट कर पाते हैं। विजिल खैर काफी एकदम बॉटम फ्लोर साइड पे रोम कर रहे हैं, एंड शायद तक वो छुप रहे हैं वेट फ्लैंक के लिए। अब देखते हैं अटैकर्स उनको ढूंढ पाते हैं या नहीं। अगर उनको ड्रोन नहीं किया और नहीं पता उनको भी पता रहा उनको विजिल की लोकेशन का, तो लेट राउंड में ये चीज़ भारी पड़ सकती है अटैकर्स को। जी एज इनके पास नो मैड भी नहीं है तो लास्ट फ्लैंक्स राउंड की गलतियों से सीखना में है दिक्कत इन्हें। आ सकते हैं। पिछला राउंड एक फ्लैंक ने पूरा गेम चेंज कर दिया था इनका। और ऐश यहाँ पे पीक कर रहे हैं ऑलरेडी। शायद तक बेडरूम विंडो पे कोई नहीं है। ये कर शायद तक पुश कर रहे हैं बेडरूम विंडो की तरफ। और इन्होंने ट्विच को नहीं देखा शायद। ट्विच पे शॉट मार दिया। बहुत सही किल ये कर का। अर्ली पिक मिल गया और इन्हें अग्रेसिव नहीं खेलना। अब शायद तक साइड पे फॉल बैक कर लेंगे तो सही होगा, क्योंकि 2 रोमर है और साइड में सिर्फ 3 बंदे हैं। अगर अटैकर ये चीज़ नोट कर लेते हैं तो सारे साइड ही पुश करेंगे। भाई खैर और मैन जोफिया को एडवांटेज नहीं तो देखा। है अभी इनके जोफिया को पता पास। नहीं, शायद तक फ्लैंक देख लिया उन्होंने। फ्लैंक वाले को मार दिया। बहुत सही किल भाई जोफिया। और ये घर आ रहे रिफ्रैक के लिए। ये घर पे भी निकाल लिया। बहुत सही किल जोफिया। बहुत सही खेल गई। कन्हैया भाई ने एक को निकाल लिया हिप फायर AR को। आई गेस यस स्टडी के बाहर वॉल खुल गई है। स्टडी में अपने थैचर फंस गए हैं, कॉर्नर्ड है। और मैवरिक ने एम चोक कर दिया थोड़ा। 3v2 सिचुएशन अभी। एको ड्रोन से डिफेंडिंग टीम को बहुत सेफ खेलना है। कन्हैया भाई ने एक हेडशॉट, बहुत सेक्सी हेडशॉट मारा। और अपनी जो क्या 1v3 सिचुएशन बहुत लेट है, डाउन है। बहुत सही की राउंड बहुत से राउंड डिफेंडर्स फाइव ने सिक्स काफी काफी पुल किया है। इवन दो जोफिया काफी अच्छा खेली, जोफिया ने काफी पिक्स निकाली, लेकिन डिफेंडर्स फिर से डिफेंडर्स ने रीग्रुप कर गए। बहुत बहुत सही खेला। बहुत रीग्रुप किया, काफी अच्छा था। एंड नाउ अगेन क्या ये गेम ड्रॉ में होगा। गेम काफी इंटेंस एंड क्लोज हो गया है। 6-5 इज द स्कोर।
जो मोमेंटम की सर्च फ्रॉम बात कर थ्री रहे थे सिक्स वो भी ब्रेक टू हो से फाइव गया। सिक्स आ गया, मोमेंटम ब्रेक हो गया दोनों टीम्स के लिए, एंड प्रोबेबली एंड पॉसिबली सिस्टम लिविंग रूम जा एंड रहे हैं ब्रिंगर्स अभी, कुछ नया का ट्राई कर रहे हैं, मोमेंटम आ देखते चुका हैं। है। अब देखते हैं। पूरे गेम में पहली तो बार आज तक लास्ट लिविंग रूम राउंड सेलेक्ट किया गया इस है। गेम का एक नई साइट पे खेला जाएगा, देखते हैं हाउ इट वर्क्स आउट फॉर द डिफेंडर्स और द अटैकर्स। थर्मल एंड थैचर और है तो कन्हैया हार्ट डिस्ट्रक्शन भाई है अपना मेन ऑपरेटर लेते हुए यहाँ पे फ्रॉस्ट प्लस यहाँ पे बक भी है तो वर्टिकल भी किया जा सकता है, एंड आपने को पता है लिविंग रूम ऊपर से एक्सपोज रहता है स्पेशली अपना आई मीन लाइब्रेरी। या शायद तक बस इन्होंने ने वर्टिकल प्ले करने के लिए लिया है, एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद लिविंग रूम। देखते हैं अभी तो प्रिटी डिसेंट सेटअप है कन्हैया भाई के, फ्रॉस्ट मैट नहीं दिखाने हमें। क्या लगता है हर्ष आपको कौन जीतेगा? बहुत क्लोज चल रहा है अब गेम। मुझे लग रहा है कि ये गेम ड्रॉ हो सकता है। अब मेरे को मोमेंटम दिख रहा है अपने डिफेंडर्स में। आर्यन वेट ए सेकंड, मुझे म्यूट कर दो। वेट वेट ब्रो, या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। सो लास्ट मैच पॉइंट चल रहा है 5-6 इज द स्कोर, और पहले जेगर हो को चुकी है। शायद तक स्पॉट नहीं करा। अटैकिंग टीम ड्रोन आ गया, ड्रोन से स्पॉट कर लिया उन्हें, हंट करने के लिए बैठी है IQ, और जेगर को भी शायद तक पता है उनका लोकेशन। फिर से ड्रोन कर रही है IQ, और येगर का लोकेशन पता चल गया। येगर फॉल बैक कर रहे हैं, बहुत सही खेल रहे हैं येगर, बहुत सेफ खेल रहे हैं। रोटेशन कट ऑफ करने के लिए शायद कोई नहीं है वहाँ पे, सिर्फ खेल रहे एक हैं, वो IQ काफी वाले हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं साइट से काफी दूर होके। और बहुत अगर ये विजिल ने शायद रिफ्रैक वाले को निकाल लिया, क्रॉस एंगल वाले को। जी, और आखिरी में सिर्फ अच्छा, ओके ओके। तो दो बंदे रूम पे थे नीचे, और जो हंट करने आई थी IQ उसको निकाल लिया। उसको निकल आई एम सॉरी। लिया यहाँ पे। आई थिंक आईक्यू को नीचे पुश करने की उतनी जरूरत थी भी नहीं, बिकॉज साइट से और काफी दूर अच्छा, ये है स्पॉट कर लिया, ये अगर को दोनों। सेफ खेलना चाहिए, अभी वापस साइट चले जाना है, सही चॉइस होगी उनके लिए। और 4v4 सिचुएशन, इंटेंस चल रहा है गेम। 1 मिनट लेफ्ट, और अपने वर्टिकल प्ले से शायद तक डाउन कर दिया एको को, एको को एंड पिक भी कर लिया। वॉल खोल लिया इन्होंने, और बहुत क्लोज जा सकता है। फिर भी मेरे ख्याल से अटैकिंग टीम थोड़ा फेवर्ड में है, एको को निकाल लिया उन्होंने, 40 सेकेंड लेफ्ट ऑन द क्लॉक, भी टाइम भी अब कम और बचा है। लीचेन को भी निकाल लिया। 2v4 सिचुएशन, कन्हैया भाई ने रिफ्रैग ले लिया, कन्हैया भाई ने एक और ले लिया। ओ 2v2 सिचुएशन, ओ और कनेक्ट ये कर करने एक सकते हैं और ये। 2v1 सिचुएशन नाउ, और मैवरिक अकेले हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे काफी सारे फ्रैग्स हुए हैं अभी काफी शॉर्ट टाइम में। 15 सेकंड और ये गर्ल लेफ्ट ऑन द को स्पॉट क्लॉक। कर लिया मैवरिक ने, बट बहुत सेफ खेल रहे हैं अभी, कुछ नहीं कर सकते। बहुत सही खेल रही है डिफेंडिंग टीम। ओ भाई बहुत क्लोज था गेम, बहुत क्लोज था। बहुत ज्यादा क्लोज। कन्हैया भाई ने गेम चेंज कर दिया कन्हैया पूरा, भाई ने आखिरी में राउंड ले गए फ्रॉस्ट प्ले से। फाइनल राउंड वो फ्रॉस्ट अपना में। मेन ऑपरेटर लाए। जी, काफी काफी फन गेम था, काफी फन गेम था, काफी फन गेम था, काफी क्लोज गेम था, एंड फाइनली ये गेम ड्रॉ में ड्रॉ हुआ। तो मैं जी गेम आई हेड थिंक जाता अब हूँ आप अभी। उनसे बात करके आइए। जी जी,
हेलो जी यार, जी जी गुड गेम्स यार, गुड गेम्स जी यार, भाई, गुड गेम गेम, जी, वेल प्लेड बहुत गाइस। क्लोज था बहुत भाई, बढ़िया बहुत था क्लोज था, कैस्ट करके मज़ा यार। आया। जी सो जी आपके जी भाई, नेक्स्ट ये मैच, ओवर टाइम नहीं जाएगा? नहीं जी ओवर टाइम ये नहीं सिक्स जाएगा, सिक्स में ड्रॉ हो जाता है, एक एक तो पॉइंट आप मिल दोनों को जाएगा, एक एक पॉइंट मिल जाएगा। अभी और वैसे ये कितने पॉइंट मिलेगा अगर ये जीतेंगे तो? जीतेंगे तो दो 3 पॉइंट मिलेंगे। अच्छा ठीक है। और ये वो ग्रुप का थोड़ा वो भेज देना यार जरा अंदर, ये जी जी किसको मैं कौन भेज से दूंगा। इनवाइट वैसे भाई आज करना हमारा रात को भी 8:30 बजे हमने मैच फिक्स करा है रे के साथ, वो भी देखना। है। हाँ, वो मैं और हर्षी करेंगे ब्रो कैश। हाँ जो भी, ये बात खत्म। चलो जी जी वेल जी प्लेड खत्म। गाइस। कन्हैया चलो जी भाई जी 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 गाइस, यार जी जी चलो यार, आज जल्दी जल्दी भाई बढ़िया कैसे हो बढ़िया बढ़िया। बताना। चलो गाइस मैं अभी ओ स्ट्रीम एंड करता हूँ। सिक्स्थ गेम रेनबो सिक्स सीज क्वारंटीन का एंड होता है और टीम सेसेशन ब्रिंगर्स जी और इनका जलेबी जेके सी, हाँ शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, जेके सी ड्रॉ हो गया। सो जो भी व्यूअर्स थे थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर स्ट्रीम पसंद आई हो, कास्टिंग पसंद आई हो, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आज 8:30 को एक और गेम ब्रॉडकास्ट होगा, सो वो भी शायद तक मैं और हर्ष करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, 8:30 को मिलते हैं।